हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस सीखने की सीरीज में मैं सूरज आपका स्वागत करता हूं। और आज की ये वीडियो है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस की। आइए दिखाता हूं एक्सेस में खास क्या है। यहां से सबसे पहले एक्सेस को ओपन करूंगा और यहां पर हमारे पास एक डेटाबेस है, मैं उसी डेटाबेस को सीधा ओपन कर लेता हूँ। और ये डेटाबेस ओपन कर लिया है और इनेबल कंटेंट डिस्प्ले क्लिक कर देता हूँ और ये आ जाते हैं सीधा फॉर्म पर। तो ये हमने एक फॉर्म बनाया और ये कन्वर्टर है। अब जैसे मान लीजिए आपको पता करना है कि अभी की जो रेट चल रही है, इंटरनेट से कनेक्टेड रहना है, जैसे इस पर क्लिक करेंगे सीधा रिडायरेक्ट हो जाएंगे इस वेबसाइट पर। और मान लीजिए आपको पता करना है कि यहाँ पर 200 यूएस डॉलर में कितने इंडियन रुपीज होते हैं, तो यहाँ पर नीचे आपको दिख रहा है, ये देख सकते हैं सीधा दिख रहा है, ठीक है। मान लीजिए आपको 400 पता करना है तो यहाँ पे 400 लिख दीजिए, सीधा आपको दिख रहा है, यहाँ पर रिजल्ट दिख रहा है कि कितना होता है, ठीक है ना। इसी तरीके से इसको चेंज भी कर सकते हैं आप अगर चाहते हैं कि आप किसी और का देखें, जैसे यहाँ पी प्रेस करते हैं पाउंड, पाकिस्तानी रुपीज का क्या हाल चाल है, आइए देखते हैं। ये पाकिस्तानी रुपीज है, ठीक है, 115 रुपया 46 पैसा 400 पाकिस्तानी रुपए के बराबर है, देख सकते हैं ना। अगर मैं यहाँ पर चेंज करता हूँ, जैसे मान लीजिए ये मैं चेंज कर रहा हूँ, जरा ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर एक रुपया जो है इंडिया का एक रुपया पाकिस्तान के 3 रुपए 46 पैसे के बराबर है। यहाँ पे देख लीजिए, ये पूरा डिटेल आपको मिल जाता है। तो यहाँ पर आप एक्सेस में ऐसे बना सकते हैं हाइपरलिंक का यूज करके। मैंने इसे हाइपरलिंक का यूज करके बनाया है और आप देख सकते हैं ये जो टेबल है, और इसका मैं दिखा देता हूँ किस तरीके से किया गया है। यहाँ पर डेटा टाइप मैंने हाइपरलिंक चूज किया है और हाइपरलिंक चूज करने के बाद यहाँ पर उस वेबसाइट का लिंक दे दिया और सीधा आप इंटरनेट से कनेक्ट रहिए, जो आप चाहेंगे वो यहाँ पे आप देख पाएंगे। अब जैसे ये यूएस डॉलर है, ठीक है, अगर आप कुछ और करना चाहते हो, पाउंड करना चाहते हो, तो यहाँ से पाउंड का भी देख सकते हैं। तो यहाँ पर जो भी जिस तरह के जिस भी करेंसी को आप देखना चाहें, आप देखिए कतरी रियाल जो है ये क्या है, तो यहाँ पर देखिए एक कतरी रियाल जो है भारत के मतलब 22 रुपए और 805 पैसे के बराबर है। तो ये इस तरीके से है, ठीक है।